अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में हम लोग देखेंगे, फ्लैजिला हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि फ्लैजिला ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं बैक्टीरियाज में, ठीक है। उनकी लोकोमोशन में, उनकी मोशन में, उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग उन फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। फ्लैजिलम के टोटल थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक बेसल बॉडी, दूसरा हुक और तीसरा फिलामेंट, ठीक है। एक तो हो गई इसकी बेसल बॉडी, दूसरा जो उसका हुक होगा वो शॉर्ट कर्व्ड होगा, बिल्कुल थोड़ा सा कर्व होगा, और जो उसका फिलामेंट होगा वो हेलिकल होगा। कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये इसके थ्री पार्ट्स हो गए, इनके नाम हमने याद करे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिर उसके बाद इसके अंदर, अब ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन्स। इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन चेन्स होती हैं। फ्लैजिला बेसिकली किससे बनता है? वो सारे तो फ्लैजिला के पार्ट्स है, बॉडी, हुक और फिलामेंट्स। बट अब ये बनता किस चीज़ से है? ये प्रोटीन की बहुत सारी चेन्स से बनता है। प्रोटीन ऑफ फ्लैजिला इज फ्लैजिलिन। अब प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनमें से वो प्रोटीन जो फ्लैजिला में यूटिलाइज होता है, जिससे फ्लैजिला बनता है, वो प्रोटीन कहलाता है फ्लैजिलिन। अब वही स्ट्रक्चर हम लोगों ने इधर इस डायग्राम के थ्रू देखना है। तो ये यहाँ पर हमें नज़र आ गया फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन क्या है? वो प्रोटीन जिससे फ्लैजिला बनी है। बहुत सारी चेन्स होती हैं इस प्रोटीन की जो फ्लैजिला को कंप्लीट करती हैं, फ्लैजिला को बनाती हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक शॉर्ट कर्व्ड हुक होगा। तो देखें कितना सा कर्व है, बिल्कुल शॉर्ट कर्व्ड हुक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शॉर्ट कर्व्ड हुक के बाद क्या होगा, और उसके अलावा बेसल बॉडी होगी। हाँ, हम लोगों ने बेसल बॉडी के बारे में पढ़ा था। तो ये इसकी बेसल बॉडी है, बेसिकली ये इसकी बॉडी की बेस है, तो ये इसकी बेसल बॉडी कहलाएगी। उसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने एक बेसल बॉडी के बारे में पढ़ा, एक हुक के बारे में पढ़ा, और एक हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा तीसरी चीज़ इसमें क्या थी, बट इसके टोटल थ्री पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े। एक हम लोगों ने पढ़ा इसका हुक, एक पढ़ी बेसल बॉडी, और एक क्या था वो आप लोगों को याद होगा यकीनन, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो फ्लैजिलिन होता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करनी है जेनोमिक ऑर्गेनाइजेशन।